हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल विनू डायरीज। आज हम बात करते हैं पारिवारिक कलह पर, क्यों होती है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले जमाने में क्या होता था, बड़े बड़े परिवार होते थे जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सभी लोग एक साथ रहते थे। सबके बच्चे सभी एक साथ हंसते खेलते रहते थे, एक दूसरे का मान सम्मान होता था, एक दूसरे का ध्यान रखा जाता था। लेकिन आजकल तो छोटी छोटी सी फैमिलियां हैं जिसमें कुछ लोगों के साथ तो दादा दादी रहते हैं, मम्मी पापा और बच्चे, कुछ लोग तो मम्मी पापा और बच्चे ही होते हैं, लेकिन कलह पूरी होती है, आपसी कलह बहुत होती है। बच्चों को परिवार की वैल्यू नहीं पता, बच्चों को परिवार का मतलब नहीं पता, क्या होता है परिवार, कैसे निभाए जाते हैं रिश्ते, कैसे रहते हैं अपने परिवार में एक दूसरे के साथ, कुछ नहीं पता। लेकिन जब हमारे साथ बुरी परिस्थितियां हो जाती हैं, जब हमारे साथ कुछ ऐसा टाइम आता है, कोई कहकर नहीं आता, कब बुरा टाइम आता है, कब अच्छा टाइम आता है, कोई कहकर नहीं आता, और जिनके लिए हम अपने परिवार को छोड़ देते हैं, और जब बुरी परिस्थितियों में हमारे भी साथ नहीं देते, तब हमें पता चलता है परिवार क्या होता है, तब हमें पता चलता है परिवार की असली वैल्यू क्या होती है। देखिए दोस्तों, आज के समय में रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज के समय में अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप परिवार की वैल्यू समझिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, और अगर आपके परिवार में कुछ भी कलह होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको दूर कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ पर मान सम्मान नहीं होता, जहाँ पर छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं होता। देखिए पहले जमाने में अगर हम इकट्ठे रहते थे, इसी वजह से इकट्ठे एक परिवार में रहते थे, क्योंकि वहां पर ना मुखिया एक होता था, वही घर में सबके लिए फैसले लेता था, वही बताता था कैसे काम को करना है, कैसे नहीं करना है, किसको क्या करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, सभी के फैसले वो लेता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, हर कोई मुखिया है, आजकल घर में एक की नहीं सभी की चलती है। तो जहां पर ये होता है ना, बड़े छोटे का मान नहीं होता, जहां पर हर कोई अपनी चलाता है, वहां पर भी पारिवारिक कलह बढ़ती है, वहां पर भी परिवार की वैल्यू खत्म हो जाती है। देखिए, लिए अपने बच्चों को भी आप भी छोटे बड़े का मान करिए। और देखिए, मान ऐसे नहीं होता कि हम तो बड़ों का मान नहीं करते, हम तो अपने छोटे बड़ों का मान नहीं करते, लेकिन अपने बच्चों को सिखाते हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारी दादी जी हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये चाची है। देखिए बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, बच्चे हमें देखकर ही फॉलो करते हैं, जो हम करते हैं बच्चे हमेशा वही करते हैं। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चे अच्छे बने, आपके परिवार में अच्छा रहे, आपका परिवार अच्छा बने, तो आपको वहां पर बच्चों को बताना नहीं है, आपको वहां पर खुद करना है। जैसे आप रहेंगे वैसे आपके बच्चे बन जाएंगे, वैसे आपका परिवार बन जाएगा। पारिवारिक कलह का सेकंड पॉइंट है किसी दूसरे व्यक्ति का अपने परिवार में दखलंदाजी देना। देखिए ये भी आजकल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, कोई दूसरा व्यक्ति, और ये दूसरा व्यक्ति आपका घर परिवार का भी हो सकता है, आपका पास पड़ोसी भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब किसी का अपने परिवार में इंटरफेयर ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो भी लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे कितनी बार मेरे पास ये भी कमेंट्स आते हैं कि हस्बैंड बोलते हैं कि पत्नी जो है उसके मायके वाले इंटरफेयर करते हैं, इस वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। कितनी बार मेरे पास वाइफ का भी कमेंट्स आते हैं, वो बोलती है कि हस्बैंड के जो माता पिता हैं वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, वो बात बात पर अपने चलाते हैं, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि कोई भी हो सकता है, ये आपको देखना है कि आपके परिवार में कौन ज्यादा इंटरफेयर करता है, कौन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, ये आपको देखना है। और देखिए बाहर वाले जब अपनी एडवाइस देने लगते हैं ना, जब बाहर वाले चलाने लगते हैं, तो परिवार बिखरने लगते हैं, दूरियां बनती रहती है, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं, छोटी छोटी बातें जो समझ में भी नहीं आती। कितनी बार ये होता है लड़ाई झगड़े आपस में, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, उन लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, मनमुटाव कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाहर वाले को जैसे ही ये बातें बताते हैं, या तो पत्नी बताते हैं या पति बताते हैं, और जब वो उनको एडवाइस देते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा कहा, तुम्हें ये करना था, तुम्हारी इतनी इंसल्ट हो गई, तुम्हें इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं है, इस तरह से बोलते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ ये गलत हुआ, तब लड़ाई झगड़े होते हैं। यानी कि तुरंत ना होकर एक दो दिन बाद भी हो जाते हैं, बात वही रहती है, लेकिन उसका इफेक्ट कब देखने को मिलता है, एक दो दिन बाद, जब बाहर वाला कोई उनको समझाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बाहर वालों की वजह से भी अपने घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। पारिवारिक कलह का थर्ड पॉइंट होता है संस्कारों की कमी। देखिए जहां पर संस्कार नहीं होते ना, जहां पर बड़े छोटे का मान नहीं होता, जहां पर हमेशा बस यही रहते कि मेरी ही चले, मैं ही हूं सब कुछ, जहां पर संस्कारों का अभाव रहता है, वहां पर भी पारिवारिक कलह होती है। जहां एक दूसरे का मान नहीं होता, एक दूसरे के लिए कहीं भी सपोर्टिव नेचर नहीं होती, वहां पर भी
भी पारिवारिक कलह बढ़ते हैं। इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि अपने बच्चे को संस्कार सिखाइए, और संस्कार सिखाने से नहीं, संस्कार खुद भी संस्कारी बनिए, तभी वे बच्चे भी सीख पाएंगे। अगर हम बोलते रहे कि बड़ों की रेस्पेक्ट करो, अगर हम बोलते रहेंगे कि ये काम करो, सुबह जल्दी उठो, ये खाओ, ये पहनो, ऐसे जाओ, बड़े को पैर छो, तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। और अगर आज वो छोटे हैं, हमारे डर की वजह से बच्चे करते भी हैं, लेकिन जैसे वो बड़े हो जाएंगे तब वो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए पहले खुद संस्कारी बनिए। अगर आप भी वही बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, अगर वही सुबह उठकर आप भी अपने बड़ों का पैर छूते हैं, तो बच्चे भी आपके पैर छुएंगे। आजकल जो पारिवारिक कलह हो रही है, जो मनमुटाव हो रहे हैं, वो संस्कारों की कमी की वजह से ही हो रहे हैं। कि आजकल छोटी छोटी फैमिलियां हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता क्या बड़ों का मान होता है, क्या छोटों का मान होता है, कुछ नहीं पता। पारिवारिक कलह के लिए नेक्स्ट पॉइंट होता है धन का अभाव। देखिए, ये भी ना कलह का कारण बनता है। जब परिवार में कमाने वाला एक होता है और खर्च करने वाले बहुत होते हैं, जहां पर धन का अभाव होता है ना, वहां पर भी अननेसेसरी लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बात पर लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर पैसों की तंगी रहती है। इसलिए मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि सभी ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, सभी अपना काम अच्छे से करें, सभी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए। अपने परिवार में ये मत समझिए कि हम बस मुफ्त में खाएंगे, कमाने वाले यही है, बस इन्हीं की जिम्मेदारी है। नहीं, मैं अपनी प्यारी बहनों से भी बोलना चाहती हूँ, सभी भाइयों से बोलना चाहती हूँ, प्लीज अपने लिए कमाना सीखिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाइए। बहनों से भी बोलती हूँ, देखिए आजकल ना इतने खर्च बढ़ गए हैं कि अकेला आदमी कमाकर खिला ही नहीं सकता। बच्चों की फीस जाती है, घर के खर्च होते हैं, कपड़े, रहना सहना बहुत महंगा हो गया है। इसलिए सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि हर कोई अपने से खुद से कमाए, अपनी जिम्मेदारियां खुद से उठाइए, क्योंकि जहां पर पैसों की कमी होती है, धन का अभाव होता है, वहां पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। और देखिए, मैंने ना महिलाओं के लिए भी या कोई जेंट्स भी हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, कैसे आप 0% इन्वेस्टमेंट करके भी पैसे कमा सकते हैं। पारिवारिक कलह का नेक्स्ट पॉइंट होता है अहंकार। देखिए, जहां पर अहंकार बीच में आ जाता है ना, वहां पर भी होता है कि मैं झुकूंगा ही नहीं, अगर मुझे झुकना पड़ा तो मैं झुकूंगा ही नहीं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों मानूं, वो मेरी मानेगी, मैं क्यों उसकी मानूं। या फिर लड़की भी ये सोचते हैं कि मैं क्यों मानूं, वो मेरी मानेगा, मैं क्यों मानूं। जहां पर अहंकार बीच में आ जाता है, वहां पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, पारिवारिक कलह होता है। और आप देख भी रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे घर है जो बिखर रहे हैं इसी वजह से कि उनके बीच में ना अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है कि मैं तो ये करूंगा ही नहीं, मैं क्यों झुकूं। अगर एक बार आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है, आप अपने परिवार के लिए आप समझिए, कोई बात नहीं, उसको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप बीच में ना समझी दिखा देते हैं, जब आप बीच में अपना अहंकार आ जाते हैं कि वो नहीं करता तो मैं ही क्यों करूं। रिश्ते अगर थोड़ा झुककर भी संभल रहे हैं तो कोई बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। तो आप भी यही समझिए, आप भी थोड़ा सा ढल जाइए, क्या हुआ, अपने परिवार के लिए अगर आप थोड़ा सा सहन कर लेंगे क्या फर्क पड़ जाता है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागिए और जो आपके परिवार में जो कलह होती है उसको दूर करिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपसी मतभेद। देखिए, जब किसी भी बात को लेकर अलग अलग तरह की राय होती है, वो चाहता है कि ऐसे किया जाए, वो चाहता है कि ऐसे किया जाए, वहां पर भी पारिवारिक कलह होती है, वहां पर भी मनमुटाव होता है। इसलिए आपसी मतभेद मत रखिए, अपनी बातों को एक राय रखिए। अगर किसी के यहाँ पर जाना है तो पूरे परिवार को जाना है, और अगर किसी के यहाँ पर नहीं जाना तो पूरे परिवार को नहीं जाना। क्योंकि आपसे जो मतभेद होते हैं ना, तो बाहर वाले इसका फायदा उठाते हैं और ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। इसलिए आपस में ना एक जैसी राय रखिए। अगर कुछ करना है तो सबका साथ होना चाहिए, सबका एक साथ साथ रहेगा तो काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।